मैंने YPM के व्लॉग्स में देखा था, तो फीज मुस्तफ़ा 1864 से है। बहुत मज़ा आया खा के। तो गाइस मैं आया हूँ अभी हफीज़ मुस्तफ़ा में, देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारी सी जगह है दुबई के अंदर। एंड ये हमारी कटलरी आ गई, हफीज़ मुस्तफ़ा 1864 से है। इनके बकलावा बहुत ही प्यारे होते हैं, वहाँ पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ और मैं आपको खा के बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है एक्चुअल में, मतलब मज़ा आने वाली है गाइस। मैं सिर्फ इसको ट्राई करने के लिए आया हूँ, मैंने YPM के व्लॉग्स में देखा था, तो उसने स्टोरी पर डाला था कि यहाँ आकर मेरे को याद आया कि हाँ यार दुबई में ये चीज़ भी मिलती है, सो आई शुड ट्राई। तो अभी देखते हैं कैसा आता है, क्या आता है मेरा। मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में बकलावा ट्राई कर रहा हूँ, तो लेट्स सी हाउ इट इज। तो जी ये आ गया हमारा बकलावा, बहुत ही बढ़िया। इस्तांबुल के हफीज़ मुस्तफ़ा जी ने ये चालू किया था, एंड अब इसको मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। ये हमारा बकलावा, मैंने इसको पहले से तोड़ दिया थोड़ा सा, अब तो दिखाता हूँ। ये देखो ये ऐसा रहता है, ये ऊपर से है एंड यहाँ पे पिस्ता की ये है, ये इनका सिग्नेचर वाला है, क्लासिक वाला। तो मैंने थोड़ा सा इसको डिकन्स्ट्रक्ट ऑलरेडी कर दिया है इंस्टाग्राम के लिए, और मैंने खा चुका हूँ गाइस, बहुत प्यारा लगा मेरे को, इसलिए मैं इसको नॉन स्टॉप खा रहा हूँ। ये 50 दिरहम का है, मतलब 1000 रुपये की चीज़ है, नवाबी शौक है थोड़े से, पर ज़रूर अगर आपके पास है और आपको ट्राई करना है कुछ टर्किश खाना तो आप आ सकते हो। आप भी आओ, हफीज मुस्तफ़ा जब दुबई मॉल आ रहे हो मिल जाएगा, 1864 से है, डेफिनेटली मैं तो रिकमेंड करूँगा, बहुत मज़ा आया खा के, आओ और ये खाओ।